अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, क्या हाल है जी आप सब के। आई होप सब ठीक ठाक मजे में खुश पाश। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जी। ये मुझे चोट लग गई थी यार, और वो मैंने जो ना, बस कहते हैं ना छुरी से काम नहीं करना चाहिए, मैंने छुरी से काम किया और वो मुझे चोट लग गई, हल्का सा ब्लड निकलना शुरू हो गया था, जॉन हो रहा था। मैंने कहा ये देखो कैसे ब्लड निकल रहा है, फिर डर गया था। हुई जब माँ को चोट लग जाए ना तो फिर बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इसे ही लो, चोट लग गई थी। फिर मैं जो, हम लोग फिर शाम को निकल गए थे, तकरीबन बाहर निकल गए थे यार। मुझे न्याज खाने का, ये कबूतर कितने ज़्यादा देखे हैं, कबूतर उड़ रहे थे, और मुझे ना न्याज खाने का बहुत दिल करता। मैं कहती हूँ बस थोड़ी सी भी चीज़ हो न्याज की हो तो वो मुझे मतलब बहुत दिल करता है मेरे न्याज खाने को। मैंने के पापा को कहती हम मुझे लेके चले, मुझे न्याज लेनी है। तो हम लोग बाहर निकले थे कि हम लोग न्याज लें, और फिर जो है वो तकरीबन ये टाइम था, दोपहर का टाइम था ना, दोपहर के टाइम पे हम लोग निकले थे। हम सारा देखा तो न्याजें बहुत जगह बट रही थी। देखिए कैसे ज़ारीन जो है वो पैदल, जैसे करबला में पैदल निकलते ना, इस तरीके से ये हरहीराबाद, लतीफ़ाबाद सारे इस तरीके से पैदल निकलते हैं, फिर हैदर चौक पर आके सारे इकट्ठे होते हैं ना। जगह जगह पे सबीलें थी, फ्रूट्स थे, और हलीम की देगे थी, चावलों की देगे थी। लेकिन जब तक हम निकले थे ना तब तक हलीम और चावल जो है वो सारा न्याज हो चुका था। अभी सिर्फ सबीलें चल रही थी ना, जगह जगह सबीलें चल रही थी जगह जगह। ये फिर मैंने, हम लोगों ने एक जगह गाड़ी खड़ा करके और बच्चों को हम लोगों ने वो जूस वगैरह पिलाया सबील का। फिर हम लोगों ने बहुत हलीम ढूंढा यार, इतने पूरा हैदराबाद मैंने, पैसों से तो मिल रहा था लेकिन मैंने कहा था मुझे न्याज का थोड़ा सा भी मिल जाए, लेकिन जो है ना कहीं भी मतलब मुझे नहीं मिला। हम लोगों को बहुत ढूंढा, फिर आखिरकार हम लोगों ने जो है वो पैसों से ही हलीम ली और चावल ली, और हम लोग घर आए तो थोड़ी सी हम लोगों को न्याज मिल गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी मिली, फिर रात को भी मिली, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवाती हूँ। फिर जी शाम का वक्त था, मैंने सोचा छत आप लोगों को दिखा दूँ। छत हम लोगों की हो गई थी फुल रेडी, फुल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल तैयार हो गई थी हम लोगों की छत। फिर बच्चे भी आराम से जो है वो, मेरी जेठानी के बच्चे थे ये, और ये खेल रहे थे। और जब छत बन जाए ना तो फिर सुकून 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 का सांस हम लोग लेते हैं। और ऊपर जो है वो हम लोगों ने पानी भी अभी देना था, तो डेली पानी दे रहे होते हैं, जो जी हस्बैंड जो है वो है वो पानी दे रहे हैं छत को, क्योंकि इससे फर्श जो है वो पानी देने से मजबूत हो जाता है, ये तो सबको पता है ना, पर पानी तो देना ही होता है। तो इसके बाद फिर मैं शाम को, आपको पता है मैं चली जाती हूँ अमूमन अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ, फिर शाम को हम लोग अम्मी के यहाँ चले गए थे। और फिर वहाँ पे ये जी बैलून की थैली जो होती है वहाँ पे जाते हैं, बस कोने खुजरों में जो है ना वे ढूंढते रहते हैं हमें कुछ मिल जाए। फिर हम तो रात को खाना खा कर आए थे, और फिर साइदन जी कह रहे थे कि जी मुझे अब थोड़े से मुझे चावल दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी से रायता कैसे बनाया, ये फलक वालों का रायता मिक्सअप बना हुआ था, बस दही में आप लोग ये डाल दें और एक मिनट में आप लोगों का रायता जो है वो रेडी हो जाता है, कुछ भी नहीं डालना पड़ता, कुछ भी नहीं। बस आप लोग जो है वो ज़्यादा से अगर डालना है तो पुदीना, सूखा हुआ पुदीना है वो थोड़ा सा डालिया करें साथ, और तो कुछ भी नहीं डालना पड़ता। इस तरीके से मैच कर लें, एक मिनट में जो है वो रायता तैयार है। और फिर जो हम लोगों को हलीम आया था, साजन के मामू के घर से हलीम आया था, उनके मामू वाले ने न्याज की थी, तो वहाँ से यार मतलब जो दोपहर का हम लोगों ने पैसों से हलीम लेकर खाया था ना, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो न्याज की चीज़ होती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है, और मुझे न्याज की चीज़ बहुत पसंद है। ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, छोटा सा व्लॉग होता है और मेहनत तो लगती है, फिर भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें कि हमारे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं और आप लोग क्या देखना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।